नमस्कार, मैं हूँ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। नौकरी ढूंढने के कई तरीके हैं, लेकिन बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने ऐसा इनोवेटिव तरीका ढूंढा जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अमन खंडेलवाल नाम के इस व्यक्ति ने जोमैटो का डिलीवरी बॉय बनकर अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों को इस तरह अप्रोच किया जिसके बारे में किसी को ख्याल भी नहीं आ सकता। अमन खंडेलवाल का ये इनोवेटिव तरीका एक पॉजिटिव न्यूज़ बन गया है, एक गुड न्यूज़ माना जा रहा है, क्योंकि डिलीवरी बॉय बनकर अमन ने अपना रिज्यूमे पेस्ट्री के डब्बों में रखा और फिर डिलीवरी की। उनके इस तरीके को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। लोग इस आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। खंडेलवाल ने ट्विटर पर जोमैटो टी शर्ट और पेस्ट्री का एक बॉक्स पहने हुए अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। बॉक्स से जुड़े एक नोट में लिखा था, ज्यादातर रिज्यूमे कूड़ेदान में खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा आपके पेट में है। उन्होंने ट्वीट किया, जोमैटो डिलीवरी बॉय के रूप में तैयार मैंने पेस्ट्री के एक बॉक्स में अपना रिज्यूमे दिया, इसे बेंगलुरु के स्टार्टअप के एक समूह को दिया। खंडेलवाल, जिन्होंने प्रबंधन विकास और IMDR पुणे से MBA पूरा किया है, वो मैनेजमेंट ट्रेनी पद या APM भूमिका की तलाश में है। अमन खंडेलवाल के नौकरी की तलाश के विचार ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। इस विचार से प्रभावित होकर एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, अमन आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि रिज्यूमे भेजने का आपका आउट ऑफ द बॉक्स विचार काफी इम्प्रेसिव है। इंटरनेट पर एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी अपनी पायलट बेटी के साथ पोज करते दिख रहे हैं। एयर कॉमोडोर संजय शर्मा और उनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने कर्नाटक के बीदर में एक हॉग उड़ान भरी। इस फोटो में वायरल होने का कारण ये भी है कि जब उन्होंने हॉग 132 विमान के समान निर्माण में उड़ान भरी तो इस पिता पुत्री की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। संजय शर्मा और उनकी बेटी ने 30 मई को उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना में कोई ऐसा पिछला उदाहरण नहीं है जहां एक पिता और उसकी बेटी एक मिशन के लिए एक ही लड़ाकू गठन का हिस्सा थे। ये वो मिशन था जहां एयर कॉमोडोर संजय और फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या सिर्फ पिता और बेटी से ज्यादा थे। वो थे एक कॉमरेड जिन्हें साथी विंगमैन के रूप में एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। फोटो में एयर कॉमोडोर संजय शर्मा और उनकी बेटी को लड़ाकू विमान के सामने पोज देते हुए दिखाया गया है। सुश्री शर्मा वर्तमान में भारतीय वायुसेना के तेज और बेहतर लड़ाकू विमानों में स्नातक होने से पहले बीदर में अपना परीक्षण ले रही हैं। तो वहीं आईफोन यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है। एप्पल ने एक पेटेंट हासिल किया है जो बताता है कि आईफोन बारिश में उपयोग करने के लिए प्रासंगिक हो जाएगा। हालांकि हाल के सभी आईफोन मॉडल में वाटर रेजिस्टेंट बिल्ड है, लेकिन बारिश में आईफोन का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। डिस्प्ले पर पानी की बूंदें यूजर्स के लिए स्क्रीन पर विभिन्न क्षेत्रों को टाइप करना या उन तक पहुंचना मुश्किल बना देती है। एप्पल अब इस मुद्दे सहित कई सुविधाओं को लाकर इन मुद्दों को हल करने की योजना बना रहा है। क्यूपर्टिनो कंपनी अपने भविष्य के आईफोन मॉडल को अपनी स्पर्श संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए पर्यावरण में बदलाव का पता लगाने में सक्षम कर सकती है। वाटरप्रूफ की संभावना को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर थोड़ी बारिश के मामले में ऑनस्क्रीन बटन बदल सकता है। एप्पल आईफोन को अपने डिस्प्ले की दबाव संवेदनशीलता को समायोजित करने और केवल स्पर्श इनपुट रजिस्टर करने में सक्षम कर सकता है, जहां एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है। इसे झूठे इनपुट से बचने में मदद मिलेगी जो बारिश की बूंदों से दर्ज किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक नमी डिटेक्टर शामिल हो सकता है जो सुरक्षात्मक आवरण को मौजूद नमी की मात्रा का पता लगाने में सक्षम होता है। जहां जब नमी की मात्रा थ्रेशहोल्ड राशि से अधिक होती है तो प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए डिटेक्शन सिग्नल के आधार पर टच इवेंट की स्थिति निर्धारित करता है।
सेंचुरी के लिए न्यूयॉर्क शहर से दूर सबसे बड़े अंडरवाटर कैनियन की रक्षा करने के लिए अमेरिका मांग कर रहा है। ये एनवायरनमेंट को बचाने और उसकी सुरक्षा करने के लिए एक बड़ा कदम है। इतना ही नहीं, ये राष्ट्रपति बाइडेन को 2030 तक अमेरिका के 30% प्रादेशिक जल और भूमि के संरक्षण के लिए अपने एजेंडा तक पहुंचने में काफी मदद करेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी और जानकारी। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के तट पर हडसन कैनियन में एक नए राष्ट्रीय समुद्री अभयारण्य को संभावित रूप से नामित करने पर सार्वजनिक टिप्पणी मांग रहा है। एक अभयारण्य पदनाम क्षेत्र के समृद्ध समुद्री वन जीवों और आवासों के संरक्षण में मदद करेगा, स्थायी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्रिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए नए अवसर पैदा करेगा। हडसन कैनियन यूएस अटलांटिक तट के साथ सबसे बड़ा पानी के नीचे की घाटी है और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी तटों से लगभग 100 मील दूर है। घाटी 2.5 मील गहरी है और 7.5 मील चौड़ी है और वेल, समुद्री कछुए और गहरे समुद्र के कोरल सहित संरक्षित और संवेदनशील प्रजातियों की एक श्रृंखला के लिए आवास प्रदान करती है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।